Welcome back to my channel, guys. My name is Imani and you are watching First Drops My Baby. And today is... What day is today? Stinky, guys. Yes, today is Monday and 27th of January. मेरी दो दिन से हो रही है हालत ख़राब, इसलिए आई एम ब्लैंक्ड गाइज. तो अभी फ़िलहाल आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड, मच बेटर. बट फीवर था मुझे दो दिन से ना, तो दवाइयाँ चल रही है. मुँह ऐसा कड़वा हो गया गाइज, यू वोंट बिलीव. कुछ नहीं खा पा रही हूँ, जो भी कुछ खा रही हूँ. और प्यास बहुत लग रही है, बट प्यास मतलब जो बुझ रही है वो ठंडे पानी से बुझेगी, और वो मैं ले नहीं सकती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरी गला ख़राब है. गला ख़राब होने की वजह से मुझे फ़ीवर हो गया था, तो इतना ज़्यादा मेरा पीने का पानी पीने का मन कर रहा है या फिर कुछ ठंडी चीज़, बट नहीं पी पा रही हूँ. मेरा बहुत ज़्यादा जो मुँह है वो ड्राई हो रखा है. एंड दवाइयाँ एंड बिस्किट चाय ज़्यादातर मैं ये खा रही हूँ. तो बहुत आज हिम्मत जुटा के आज मैं व्लॉग करने आई हूँ आप लोगों के सामने. एंड कल है 28th of January, कल है मीनाक्षी का बर्थडे, तो कल होगा सेलिब्रेशन. आई विल व्लॉग दैट ऑल्सो. बट साथ ही साथ मुझे आपको लोगों को एक न्यूज़ भी देनी है. न्यूज़ ये है कि ऑन 24th क्या हुआ, जिस दिन वेदिका का बर्थडे था, तो ये सब लोग गए थे. मैं तो गई नहीं थी, आप लोगों को पता है. तो ये सब लोग गए थे बर्थडे में. तो उधर से शुभम बाइक से गया था, तो शुभम वापस जब बाइक से आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया. एंड ही इज़ मच बेटर. पहले मैं आपको अच्छी चीज़ बता दूँ, पॉजिटिव चीज़ बता दूँ. मेरे एक्चुअली बात करिए तो मेरे को राहुल चाह रहे क्या? यस, राहुल इज गोइंग ऑन. तुषार नीचे खड़ी है, डैडा को देख रही है, रो रही है वो. ओ माय गॉड, डैडा जा रहे हैं. रो रही है, उसको पहले मैं देख लूँ. जब तक वो ऊपर आती है तब तक मैं आपको बताती हूँ फटाफट. तो क्या हुआ था, शुभम का एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, और उसको चोट काफ़ी लगी थी. उसका ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा चोट था. ब्लड यहाँ से ब्लड. अब पता चल रहा था उसका फोरहेड पे स्कल में फ्रैक्चर बता रहे हैं. बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, टच वुड, फिंगर क्रॉस, लाइक सब चीज़ें. मोनी उसको ऊपर ले आ, अब सब चीज़ें ठीक है. एंड बात कर रहे हैं, अब सही से चल रहा है. पर जो 25th था, क्योंकि 24th को बर्थडे था, जो 25th को उसकी हालत थी ना गाइस, देख ही नहीं जा रही थी. मम्मी बता रही है, मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरे को फीवर था. तो मम्मी बता रही है उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी. मतलब बहुत ज़्यादा उसका ब्लड निकल रहा था और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. बट आज बहुत सही है, वो कल भी सही रहा, आज भी सही है. तो आज वो डिस्चार्ज होके आ रहा है एंड घर ही आएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी, मिलवाऊँगी उससे. बाकी भगवान ने मतलब बहुत ज़्यादा रक्षा करी है उसकी, बहुत ज़्यादा बचा लिया उसको. बस यही सब हो रहा है. अभी हमने उसका बिस्तर लगाया, एक्चुअली वो मम्मी पापा के रूम में ही सोएगा, तो मम्मी पापा के बेड में एक और बेड लगा दिया हम लोगों ने, ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके, क्योंकि उसको निगरानी की भी ज़रूरत है. तो डिस्चार्ज तो हो रहा है, उन्होंने भी ग्रीन शीट दे दिया है कि हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको. तो वो हो रहा है. मेरे हाथ दर्द हो गए एक्चुअली, ऐसे पकड़े पकड़े ना मुझे आपसे ना. मैं बार बार पता है मैं भूल गई व्लॉगिंग करना, मुझे वहाँ देख रहा हूँ, मैं देख आ रही हूँ. तो आई हैव टू लुक हिम. एक और चीज़ है, पता है क्या चीज़ ये है कि थोड़े में बताते थक गए. चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो वही चीज़ आप लोगों से पूछनी है कि आपके साथ होता है क्या ऐसा, कि मेरे साथ कल कुछ हुआ है और जो मुझे ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो गया. मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. स्टे कनेक्टेड. बात किसमें? शूज में. हाँ हाँ, अच्छा बबल गम जैसी स्मेल आ रही है ना. अच्छा ये एक्चुअली बाटा का शूज़ था, बाटा के शोरूम से लिया हम लोगों ने, और इस पर बबल गम गमर्स लिखा है, और इसमें स्मेल भी बबल गम जैसी आ रही है. इसके ब्लैक वाले में स्मेल करने में आई स्वेयर बिल्कुल सेम स्मेल है, बबल गम जैसी. यम्मी यम्मी सी, खाने का मन करे सही में. लो तो ये एक शूज़ था त्रिशिका का, मैंने लास्ट टाइम बोला था मैं दिखाऊंगी. और दूसरा शूज़ दिखाना.
गिर हो गया। ये जो दूसरा बिस्तर है ना, ये शुभम का लगा है क्योंकि वो भी आने वाला है डिस्चार्ज करके, उसकी फाइल्स बन रही है। दूसरा शूज इस तरह का ये वाला है। बहुत क्यूट लगा मुझे ये वाला। तिशिका से हाय, लुक हियर एंड से हाय, से हाय एवरीवन। प्रीति आपके साथ बॉल खेलेंगी, हाय करो पहले। लुक एट माय माय टू हा, ये 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 कम। तिशिका जा रही है बॉल खेलने। बाय बाय, लव यू। आई वन टू, नीचे उसका वो ये लगाना बाकी है। मुझे कम आ जाओ। हाँ थैंक यू, बाय शोंची। बॉल तो ऊपर है ना, बॉल इज, हाँ बॉल ऊपर है। बाय 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 टाटा। अच्छा उधर नानी वगैरह को भी करिए फोटो में, सबको करती है जाते। बाय। सी गाइस, त्रिशिका डॉगी को रोटी खिला रही है। कितना बड़ा हो गया वो छोटू वाला बेबी जो था। हमारे यहाँ राजमा एंड राइस बन रहे हैं, बहुत ही ग्रेवी वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, यमी यमी। त्रिशिका ने पता क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, कोई भी चीज़ होती है ना मैं कुछ बोलती हूँ उसको समझ नहीं आता तो हूँ करती है। त्रिशिका डोंट डू लाइक दिस, त्रिशिका हूँ, त्रिशिका को निन्नी करनी है। त्रिशिका का निन्नी टाइम हो गया, इट्स 3:00 बजने वाले। त्रिशी डू हूँ, ये क्या लग गया है त्रिशु के, पुट इट ऑन योर चीक्स, क्रीम ऑन योर चीक्स। गाइस आई एम इन लव विद दिस क्रीम, और मैं ना अपनी पॉकेट में रखती हूँ, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी हूँ मैं इसकी। बाला 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 बाला, ओ गॉड। तो ये वाली क्रीम है ना, हैंड एंड नेल क्रीम, इसकी मैं एडिक्टेड हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा मनी लगा ये प्रोडक्ट, जिसका मैंने आई थिंक हॉल भी किया था यार, 275 rupees का, बट वर्थ द मनी, इट्स सो डैम गुड। बार बार मन करता है अपने हाथों पे लगाने का, और मैं कम क्वांटिटी में लगाती हूँ क्योंकि कम में ही इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है ना, यू वोंट बिलीव गाइस, बहुत मस्त। यम्मी यम्मी केक, त्रिशि सी, यम्मी यम्मी केक, यम्मी यम्मी केक। आ गया है मीनाक्षी का, आई थिंक व्लॉग सब मिलेगा उसको बाद में, फ्रॉम केक हाउस, और यम्मी यम्मी केक है। केक आ गया है मीनाक्षी का, आई थिंक व्लॉग सब मिलेगा उसको बाद में, फ्रॉम केक हाउस, और यम्मी यम्मी केक है। शुभम की हालत ठीक है, शुभम अभी सो रहा है, दवाइयाँ अभी उसको लास्ट जो रात के डोज हैं वो देने हैं, तो वो सब अभी देने बाकी है। और हम लोग साथ में लाए हैं क्रीम रोल, क्योंकि यहाँ के जो केक हाउस के क्रीम रोल होते हैं ना, दे आर यम्मी। एंड यस, आई हैव बॉट डोनट्स ऑल्सो, सी डोनट्स, ये 2 piece का डोनट है, 10 rupees का एक डोनट है ये। मैंने फर्स्ट टाइम खाऊंगी मैं केक हाउस का, मैंने इससे पहले कभी डोनट नहीं खाया था,
एंड ये साइज़ दिखाती हूँ आपको क्रीम रोल का, आई थिंक मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट दिस इज़ द साइज ऑफ द क्रीम रोल, छोटू सा क्रीम रोल है बट सो यम्मी इट इज। मम्मी हैज़ गिवन यू चॉकलेट ना, से थैंक यू टू मम्मी, से थैंक यू। हम लोग सोने तो जा रहे हैं ऑफिशियली, बट क्योंकि 12 बजे मीनाक्षी का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करने आएंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, तो उसका वेट करना। और दूसरी चीज़ कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि मुझ मेरे साथ एक चीज़ हुई है, वो पता क्या हुई है, वो हुई ये है कि मैं परसों ना मैं अपने मोबाइल कवर देखने के लिए मैंने लॉग इन किया एक साइट पर, और वहाँ पर मैंने कवर सर्च किए, मुझे वहाँ पसंद नहीं है, फिर मैं अपना फेसबुक पे आ गई नॉर्मल, फिर वहाँ पे ना मुझे फ्लैश होने लग गए, वही जो मेरा फ़ोन है उसी के रिलेशन में जो मैं कवर ढूंढ रही थी उसी तरह की मुझे और साइट्स पे फ्लैश होने लग गए, तो मैंने सोचा चलो हो गया होगा कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं गई यूट्यूब पे, मुझे वहाँ पे भी वही वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं रिलेटेड टू दो सर्चेज जो मैं करी थी वो फ्लैश होने लग गए, फिर मैं कन्फ्यूज ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं गई आई थिंक फेस इंस्टा पे, और वहाँ पे भी मुझे सेम सर्चेस जो मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिलने लग गए। एंड फेसबुक पे तो हद ही एडवर्टाइजमेंट थे, हद ही एडवर्टाइजमेंट फ़ोन कवर्स के, एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड। और उसके बाद मुझे अजीब सा लगा कि इन लोग हम लोगों का कैसे टेक्नोलॉजी, मैंने जस्ट हैव सर्च ऑन गूगल आई थिंक, और मैंने साइट विजिट करी अमेजोन, उसके बाद बाकी सारे कैसे कैच कर लेते हैं, आई नो दे आर कैचेस बट कैसे कैच कर लेते हैं, वही हम लोगों को फ्लैश कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट। मतलब कितना ज़्यादा आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है कि आपके इन्फॉर्मेशन आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या खरीदना चाह रहे हो, वो सब यू नो इंटेलिजेंस के थ्रू लाइक पता चल जा रहा है सामने वालों को, मार्केटर्स को जो मार्केटिंग करते हैं उन लोगों को, तो इट्स काइंड ऑफ ऑकवर्ड। प्लस पता क्या हुआ, ये तो चलो ठीक है, मैं हनी से डिस्कशन कर रही थी, हनी मुझे बहुत सारे ऐसे, फिर मैंने एक मंगा लिया जो कवर था अपने अमेज़ोन से मंगाया, बट उसके बाद मुझे अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं जो मैंने कभी सर्च भी नहीं करी, कभी नाम भी नहीं सुने, वो फ्लैश होने लगे, इतने सुंदर सुंदर पीसेस थे उनके पास, बट मैं बैड लक कि मैं वहीं पर स्टक करके मैंने मंगा लिया, बट कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं, तो आपको कॉर्नर ऑफ योर माइंड यू आर लाइक अवेयर कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लीक होती है। तो दिस इज़ इट, आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लाइक आई एम 100% श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, एंड गुड नाइट गाइज, आई विल मीट यू टुमॉरो। अभी तो मैं सेलिब्रेट करूँगी 12 बजते ही, अभी 11 बजे है, अभी 12 बजते ही मैं सेलिब्रेट करूँगी मीनाक्षी का बर्थडे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइज।